share many notes. Tools used in genetics, fine. बारह ग्यारह दो टूल्स फाइन। चलिए हम बताते हैं एक्चुअली हमें पहुंचना कहां पर है। एक स्पीशीज है ना, उसका जीन हमें दूसरे स्पीशीज में इंसर्ट करना है, ठीक ना। तो एक मोटा मोटा डायग्राम बना लेंगे अपने दिमाग में, हमें करना क्या है, है ना। एक स्पीशीज का डीएनए सेगमेंट, डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट लेके हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है, फाइन। चलिए इसी चीज को हम एलाबोरेट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट इंटायर प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स। हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। द टूल्स यूज्ड आर ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, या सिंपली हम यहां पे लिख रहा हूं एंजाइम। एंजाइम के अंदर बहुत सारे एंजाइम बताएंगे, एंजाइम्स, फाइन। देन वेक्टर्स, देन होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। इतने सारे टूल्स हैं, मोटा मोटी बता दे रहा हूं सबके बारे में। एंजाइम्स ये डीएनए को काटने के लिए, जोड़ने के लिए, डीएनए का पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरत है, फाइन। वेक्टर्स ये एक प्रकार का व्हीकल है ना, जो कि डीएनए को इंसर्ट करवा देता है होस्ट जीन के अंदर, फाइन। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद एंजाइम फर्स्ट। है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एंजाइम के बारे में जिक्र करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर, फाइन। मॉलिक्यूलर सीजर एंजाइम के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। The enzyme used are the restriction enzyme, ligase enzyme, and polymerase enzyme, ठीक ना। इतने सारे enzymes के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So let me start with restriction enzyme। नाम से क्या पता चल रहा है जी? Restriction enzyme। See, for example, this is a bacteria, है ना? ये bacteria है, इस bacteria का ये रहा genome, fine। इस bacteria का जो gene segment है यहां से यहां तक, वो हमारे use का है, fine। तो हमें क्या करना है, इस gene segment को यहां से काट के, है ना, एक vector के अंदर ligate करना होगा, किसके अंदर, vector के अंदर, है ना, वेक्टर के अंदर लाइगेट करना होगा, फाइन। और ये वेक्टर क्या करेगा, हमारे डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करवा देगा
हमारे डिजायर्ड होस्ट के अंदर, है ना। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। फाइन, दिस इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ये इन्फेक्शन कोज करेगा इन्फेक्टेड टू होस्ट, है ना। ये रहा होस्ट, तो होस्ट के अंदर, है ना, होस्ट के सेल के अंदर, ठीक ना, होस्ट के सेल के अंदर जो जीनोम है उसके अंदर ये फॉरेन डीएनए चला जाता है इस तरीके से। फिर ये मोटा मोटी में प्रोसेस बताया। अब मैं आता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे यूज होता है? सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का सीजर है, कैंची है, काटता है। क्या काटता है? डीएनए सेगमेंट को काटेगा। फाइन, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडिंग एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड करता है, कट करता है, है ना, काटता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कट करेगा, सेम कट यहाँ पे भी करेगा, जिसके चलते ये सेगमेंट यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। फाइन, फिर से क्या करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करके अपने होस्ट को इन्फेक्ट करवाएंगे। चलिए अभी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर थोड़ा फोकस डालते हैं, है ना। नॉर्मली ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, इट इज अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट। फाइन, ये बैक्टीरिया का प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों प्रोड्यूस करता है बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैक्टीरियम, है ना, ये बैक्टीरियम है और ये भाई साहब रहे फाज, तो वायरस, एवरीबॉडी नोस, है ना, वायरस है। ये बैक्टीरियम का जीनोम है। फाइन, अब क्या करता है फाज, एवरीबॉडी नोस, फाज अपना डीएनए को इंसर्ट करवाता है बैक्टीरियम के अंदर और इसका पार्ट बनने की कोशिश करता है, बैक्टीरियल मेन जीनोम का पार्ट बनने का कोशिश करता है। फाइन, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा होने नहीं देना चाहता है, है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम डू नॉट वॉन्ट द फॉरेन डीएनए टू गेट एंटर्ड इन टू इट्स साइटोप्लाज्म, है ना। वायरस का डीएनए भैया उसके लिए फॉरेन है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन डीएनए, है ना, बैक्टीरिया हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स, है ना, इन्होंने कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, है ना, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ में आया? इस एंजाइम को नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ व्हाट दिस एंजाइम डस, ना व्हाट दिस एंजाइम डस, ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर देगा, है ना, फॉरेन डीएनए को डिग्रेड कर देगा। इट गोना डिग्रेड दिस फॉरेन डीएनए, किसका डीएनए था, वायरल डीएनए था। फाइन, वायरल डीएनए को डिग्रेड कर देगा। सवाल आता है कि भैया वायरल डीएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है ना जी, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और ये खुद भाई साहब भी न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं, तो क्यों नहीं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद को डिग्रेड कर पाता है? बैक्टीरिया एक्चुअली डज अनदर थिंग आल्सो, है ना, इट डज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम करता है ना, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम करता है। कहने का मतलब कि एक हाथ से तो ये फॉरेन डीएनए को डिग्रेड करेगा और दूसरे हाथ से ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू इट्स डीएनए, जिसके चलते
इसका खुद का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान ना पाए, ये देखो इसको पहचान नहीं पाएगा, है ना, इसका खुद का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान नहीं पाएगा, बिकॉज उसके डीएनए में मिथाइलेशन हो गया, मिथाइल ऐड कर दिए हैं, दैट न्यूक्लियोटाइड इज नो मोर द ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड, इट हैज चेंज्ड। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के डीएनए को नहीं पहचान पाएगा और खुद के डीएनए को कट नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन वायरल डीएनए के पास तो मिथाइलेशन नहीं हुआ है ना, तो वायरल डीएनए डिग्रेड हो जाएगा। फाइन, तो साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को स्टडी करी एंड आइसोलेटेड वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, उन्होंने एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करा और लेबोरेटरी में टेस्ट करा ये काम कैसे करता है, है ना। बाद में पता चला अरे यार इसका तो वाइड एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना। तब से लेके आज तक लगभग कितने सारे हजार के आसपास एंजाइम्स अवेलेबल है, फाइन, उससे भी ज्यादा। अच्छा अब बताओ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया ना रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर लेगा खुद के डीएनए को और रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तोड़ देगा वायरल डीएनए को, है ना। यहाँ पे हमने शब्द यूज किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, है ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब है दिस एंजाइम इज लिमिटेड टू अ सर्टेन टाइप ऑफ सर्टेन पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, सभी जगह से डिग्रेड नहीं कर सकता है ये, फाइन। कुछ स्पेशल पैटर्न्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो जीनोम में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे जाके कट करेगा, वहीं पे जाके ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, इसलिए इसको कहा गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फाइन, है ना। तो चलिए कुछ चीज बताते हैं। ये जो एंजाइम है जो सीक्वेंस को पहचानेंगे, है ना, उसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। शब्द सुने हैं कहीं पे पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम? हेलो सुधांशु, चंदन, हिमांशु, एनीबडी, या यू डिन हर्ड दिस टर्म बिफोर? फाइन, ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मींस। ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहने का मतलब होता है इफ वी विल रीड एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट द रीडिंग विल बी सेम, है ना, उसको कहते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ना ये तो नहीं हुआ, ए बी, हाँ मलयालम इज द बेस्ट फॉर एग्जाम्पल, मलयालम है और क्या है, मलयालम तो है ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मलयालम, मैडम भी है, एम ए डी एम, सर डैड भी हो जाए, डैडी, हाँ मैडम, आई आई एम योर एडम हो सकता है क्या, एम ए डी ए एम आई एम योर ए डी ए एम हो सकता है क्या, एम एम यू नहीं हो रहा उल्टा, आई एम एडम ये हो सकता है क्या, एम ए डी ए एम, मैडम तो होगा सर, मैडम हो सकता ना, हटाओ ना, एम ए डी एम कहीं से भी रीड करो, रीडिंग फ्रेम सेम आएगा, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक। लेकिन बायोलॉजी में जो पैलिंड्रोम हम यूज करेंगे, है ना, वो अप्लाई होना पड़ेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मींस इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। यदि हम इसको रीड करें 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम, then it should come in this manner. है ना, चलिए एक हम चीज बताते हैं, G A A T T C 5 prime, C T T A A G
ये ओरिजिनल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ, ये नहीं, ठीक ना, ये ओरिजिनल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ, है ना। तो ऐसे ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं, कौन पहचानेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है, फाइन, कोई रैंडम सीक्वेंस को नहीं पहचानेगा, फाइन। और ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट्स बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं जीनोम में, इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, फाइन। तो यहां पे हम आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब समझाएं, फाइन। रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में ही फंक्शनल है, इट इज नॉट फंक्शनल थ्रू आउट द जीनोम, फाइन। चलिए ये खत्म होता है यहां पे। The site where restriction enzyme. हाँ क्या बोल रहे हो, restriction enzyme so named because it is restricted to only some special sequence in the genome. The site जगह where restriction enzyme is अरे functional, restriction enzyme is functional. That site is known as restriction enzyme recognition site ya sequence, A-C-Q-U-E-N-C-E, and this sequence must exist in, and this sequence exists in palindromic pattern. Palindromic manner. ठीक है, palindromic manner में exist करेगा ये. हो गया, कुछ पूछना है? सुधांशु कुछ पूछना है यहां से? ठीक है, एग्जांपल दें। यस, ठीक है, जैसे कि एक एंजाइम है बामेच वन या फिर इको आर वन, है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को ही, मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे, एंजाइम घातक, क्या बोलेंगे, जी जी ए टी सी, ठीक
ठीक है, इस तरीके से समझ में आया, इस तरीके से। सुधांशु फाइन फाइन फाइन, ओके। सो इस तरीके से हाँ, क्या बोल रहे हो? ये एंजाइम मतलब यही इसी पोजीशन पे तोड़ेगा? यस, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्वेंस को ही पहचानेगा, किसी दूसरे सीक्वेंस को नहीं पहचान पाएगा। फाइन, दे आर हाईली अनएम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस कहो। नॉन एम्बिगुअस मतलब हाईली स्पेसिफिक, बताया था कोडन वाले सेक्शन में भी, ठीक ना, इसको हम लोग कहेंगे नॉन एम्बिगुअस, एकदम ही स्पेसिफिक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फाइन, चलिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। फाइन, एंडोन्यूक्लियसिस एंड एक्सोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, समझ पा रहा हो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? हाँ जी हिमांशु, बता पाओगे? हिमांशु यस सर, या हाँ, कैन यू टेल मी सर, एंडोन्यूक्लियस सर, एंडोन्यूक्लियस जो सर क्या बोलते हैं, बीच से काटता है मतलब डीएनए को। कहाँ पे कट करेगा? बीच से, डीप नहीं, बीच सर मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन, बीच से ओके फाइन, बीच से कट करेगा, बीच से बोल रहे हो ना, फाइन गुड गुड। एक्सोन्यूक्लियस, कॉर्नर से काटेगा, कॉर्नर पे, फाइन फाइन फाइन। लिसन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फॉस्फेट बॉन्ड हियर, है ना, आई हैव अ फॉस्फेट बॉन्ड हियर, है ना, इस तरीके से। है ना, इस तरीके से। नाउ हमारा जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से, ध्यान से सुनेंगे, हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है यहां से। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जनरली 4 न्यूक्लियोटाइड्स टू 6 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। फाइन, ये रहा, ये पेयरिंग हम नहीं कर रहे हैं, बस हम दिखा रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, यहां से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, ये रहा हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो इन केस ऑफ एंडोन्यूक्लियस, है ना, एंडोन्यूक्लियस के केस में क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का एक फॉस्फेट ग्रुप बाद कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो इसका कट यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, है ना, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में कट करेगा एंजाइम इन केस ऑफ एंडोन्यूक्लियस, वाइल इन केस ऑफ एक्सोन्यूक्लियस ये रहा हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो यहाँ पे कट कहाँ करेगा? बाहर ही कर देगा, है ना, पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन सीक्वेंस अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। लेकिन इसके केस में, एंडोन्यूक्लियस के केस में, है ना, एंडोन्यूक्लियस के केस में एक, ठीक है, 5' एंड से भी और 3' एंड से भी, है ना, एक एक न्यूक्लियोटाइड शहीद हो जाएंगे। फाइन, समझ में आया एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का डिफरेंस? हेलो, समझ में आया? एक्सोन्यूक्लियस, है ना, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बाहर ही कट करके चला जाएगा, एंडोन्यूक्लियस के केस में एक न्यूक्लियोटाइड अंदर की ओर कट करेगा।
फाइन, जैसे कि हिमांशु ने कहा बीच में कट करता है, यस yes. तो बीच में कहा है ना, पहला न्यूक्लियोटाइड के जस्ट बगल में, फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंजाइम यूज करते हैं ज्यादातर, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक में जो मैक्सिमम एंजाइम यूज करी जाती है, दैट इज एंडोन्यूक्लियेसेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. फाइन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक ना, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है. फाइन, सो मैं एक चार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जिसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होगा और कहाँ से ऑप्टेन करा जाता है, सोर्स भी होगा. फाइन, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी मेंशन होगा. फाइन, ओके, क्या करें, लिख दें या फिर ग्रुप पे भेज दें, व्हाट टू डू, लेट मी राइट, मैं इसको लिख देता हूँ. उसके बाद और कुछ कुछ बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, है ना. नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, एंजाइम का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करी जाती है, वहां से भी क्वेश्चन रहता है ना, पूछता है बोर्ड एग्जाम में. एनसीईआरटी है आप लोग के पास, अभी एनसीईआरटी है आप लोग के पास, है सर, है ना, उसमें से फिर टेली कर लेंगे कौन सा एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है. फाइन, मैं लिख रहा हूँ बहुत सारा, लेकिन जो एनसीईआरटी में है उसी को याद करोगे तो सही रहेगा. का तो जो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंद टू, तो नाम है उसका क्या? हाँ, ये कुछ जीके भी बताएंगे, जनरल क्वेश्चंस भी बताएंगे, जनरल नॉलेज वाला भी. हिंद टू पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आइसोलेट करा गया था, ठीक ना, बताएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे हम, है ना. अभी आज के डेट में लगभग 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 230 स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करा गया है. जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बामेच, बामेच वन, है ना, ये रोमन में रहता है. इसका जो होस्ट है जहां से आइसोलेट करा गया है, दैट इज बैसिलस एमाइलोलिकोफेशियंस, बैसिलस एमाइलोलिकोफेशियंस बैक्टीरियम से लिया गया है. फाइन, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना है वो है आपका जीजी एटी सीसी, फाइव प्राइम एंड हो जाएगा ये जी जी एटी
सी सी है ना, इस तरीके से। फाइन, तो इस पे कट कहां होगा, तो कट होना है यहां पे, ठीक है। इस तरीके से कट होगा तो क्या कुछ स्ट्रैंड इस तरीके से बनेंगे। देखो तो ये रहा मेन डीएनए कहीं से आ रहा था, और कट होने के बाद कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट होगा क्या? इस तरीके का एक स्ट्रैंड क्रिएट होगा और दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा जी, देखो जरा ध्यान से। यस सर, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। फाइन, इस तरीके से, इस तरीके से एंड क्रिएट होंगे। इस प्रकार के एंड को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड एंड। स्टैगर्ड मतलब धार, ठीक है। शार्प एंड भी कहते हैं इसको, है ना, शार्प एंड, स्टैगर्ड एंड। इसका जो एंड होगा शार्प होना है, कांटे का तरह। फाइन, अच्छा अच्छा एक चीज बताओगे, दो लकड़ी यदि हमें जोड़ना है ना, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो ज्यादा जोड़ मजबूत रहेगा, या इस तरीके से दोनों लकड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जोड़ मजबूत रहेगा, कौन सा, पहला या दूसरा? पहला, पहला, वेरी गुड, ठीक ना। सो यदि इस तरीके का एंड क्रिएट होता है तो हम लोग मानते हैं बहुत अच्छा एंड है ना, लाइगेशन में बहुत ही मदद होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पहले से प्रेजेंट है ना, तुरंत आके जुड़ जाएगा। फाइन, यही फायदा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स एक्सपोज रहते हैं। फाइन, और तुरंत ही एक दूसरे से जुड़ के स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं। फाइन फाइन, so BAMH1 is producing what type of end? It is producing sticky end. किस तरीके का end? Producing sticky. ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग sticky end, याद रखेंगे, sticky end, staggered end, sharp end, इस तरीके से कहा जाएगा, ठीक है। जो भोथर होता है उसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लंट, ब्लंट एंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया BAMH1, दूसरा करते हैं EQR1। है ना, यहाँ पे जो हम लोग पहला अल्फाबेट लिखते हैं ना, वो बैक्टीरियम, वो ऑर्गेनिज्म को, जीनस को दर्शाता है। फाइन, पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट जीनस को दर्शाता है, बाकी तो दर्शाता है स्पीशीज को। यदि तीसरा अल्फाबेट भी आ रहा है तो वो स्ट्रेन को दर्शाता है। लेट मी मेंशन ये, चलो एक ही साथ कर दे रहा हूं, ये नोमेनक्लेचर भी हो गया। ये दर्शाता है जीनस, है ना, ये दो दर्शाता है स्पीशीज, है ना, और ये दर्शाता है स्ट्रेन, है ना, और ये दर्शाता है स्ट्रेन नंबर, है ना। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर भी हमने कंप्लीट कर दिया। Fine, तो इस तरीके से, क्या है इसमें? हाँ हाँ, क्या स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन, स्ट्रेन, जैसे कि रिकॉल करेंगे जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था चूहा के साथ, हाँ। तो उन्होंने डिप्लोकोकस बैक्टीरियम लिया था, ठीक है, निमोकोकस, ठीक है, निमिनी बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरियम लिया था, एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था रफ स्ट्रेन, ठीक है, रिकॉल करें? हाँ सर। ओके फाइन, तो स्ट्रेन होते हैं मान के चलो कि सब स्पीशीज, है ना, वैरायटी के तौर पे आप समझ सकते हो। फाइन, और वैरायटी में भी बहुत सारे पेट्रिप्लेट्स होते हैं जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान के चलो जो इक्वा वन हमें मिला वो पहला ही पेट्रिप्लेट से हमें रिजल्ट मिल गया, है ना, इसलिए उसको हम लोग देते हैं स्ट्रेन नंबर वन। हाँ जी हिमांशु, कुछ पूछना चाह रहे थे? ये इक्वलाइट है क्या?
हाँ ये इकोआर वन का है ना। तो यहाँ पे जीनस का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस्चरचिया, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इस्चरचिया कोलाई। है ना इस्चरचिया कोलाई फाइन। और इसका जो जो क्या बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होगा दैट इज घातक, GAATTC। फाइन ओके। और यहाँ का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो इस तरीके से होगा फाइन। तो यहाँ पे जो एंड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, स्टिकी स्टिकी एंड, ठीक है। यहाँ पे जो एंड बनेगा दैट इज स्टिकी एंड। दोनों का बैसिलस एमाइलोलिकोफेसिन हो गया ना, इसमें जो जी और जी के बीच में एरो किया है वहीं पर कट हो रहा है ना। हाँ जी और ए के बीच में कट करेगा, जहाँ पे हम एरो दे रहे हैं ना वहां पे कट साइन है। ये तो आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये तो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड, 6 × 2 = 12 न्यूक्लियोटाइड है ना। और तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर कट कर रहा है, दोनों में फर्स्ट वाला के बाद ही कट कर रहा है। हाँ पहला न्यूक्लियोटाइड छोड़ देगा है ना, हाँ। और उसके दूसरे न्यूक्लियोटाइड मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच के फर्स्ट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। तो सर ये एंडो न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। हाँ सब जितना भी अभी तो बताया ना मैंने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैक्सिमम एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का ही इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट HIND3, ठीक ना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। है ना हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा देखते हैं किस तरीके से है। A A G C T T, है ना इस तरीके से। ओके इसका भी स्टिकी होगा। हाँ हाँ इसका भी स्टिकी एंड होगा। हाँ हाँ स्टिकी होगा। ये कैसा एंड प्रोड्यूस करेगा, बोकारो में आज शादी उदी नहीं है क्या,
यहाँ पे पूरा बजा बजा के इंसल्ट डिस्टर्ब कर रहा है लोग बजा, और ढंग का गाना भी नहीं बजा रहा है लोग। ऐसे एल लिखा हुआ है सर इसमें, कौन सा स्टिकी एंड? नहीं सर, ये फाइव नंबर में जो लिखे हैं स्टुअर्टी, एसटी, हाँ STURTII। नहीं सर वो नहीं बोल रहे हैं। सो पर स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस लिखे हैं ना? हाँ एल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। ठीक है सर। GTCGAC तो किस तरीके का एंड प्रोड्यूस करना है? स्टिकी, फाइन। Marcissins, ये किस तरीके का एंड प्रोड्यूस करेगा? Come on, tell me. Blunt end होगा इसका। So इसमें से जो पहला तीन लिखवाया है ना वही important है। स्पेलिंग सही है सीजर का देखो तो। सीजर बोल रहे हैं सर? सीजर, सीजर कैंची। आर ई, आर ई से क्या होता है काटा जाता है ना। हाँ, नजर नहीं आ रहा सीजर कहाँ पे।
स्पेसिफिक फाइन. और क्या बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हिस्ट्री बता दिए, नोमेनक्लेचर भी हो गया, एग्जांपल भी दे दिए है ना, वर्किंग बता दे. ठीक है, वर्किंग बता रहा हूँ यहाँ पे. वर्किंग में एनसीईआरटी निकाले जरा आप लोग. एनसीईआरटी निकाले हम वहीं से एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक ना, यहाँ से करेंगे तो इट विल टेक टाइम. ये डायग्राम है देखो तो आप लोग एनसीईआरटी में. चलिए बनाते हैं. ठीक है, फॉरेन डीएनए और वेक्टर दो चीज बनाए हैं हम यहाँ पे. फाइन. ध्यान देंगे, फॉरेन डीएनए का रिकॉग्निशन सीक्वेंस और वेक्टर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस दोनों सेम होना चाहिए. फाइन, यहाँ पे नोट कर लेंगे जरा. बोथ फॉरेन डीएनए and vector should cut cleaved by same restriction enzyme, है ना. यदि अलग अलग restriction enzyme इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा complex हो जाएगा. At a time we need to use adapters, है ना. adapters के बारे में आप लोग जानोगे अगली class में, higher classes. अगले क्लास में नहीं, हायर क्लासेस में. फाइन, तो चलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं जो वेक्टर है उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज गैप टीसी, मतलब इको आर वन से कटने वाला है. है ना, इस तरीके से. फाइन. और ये रहा वेक्टर.
ठीक है, ये रहा वेक्टर। फाइन, वेक्टर का भी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना है वो कुछ सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से होना है, है ना, इसी तरीके से होना है। ठीक ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से होना है। फाइन, और दोनों ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किस कौन से एंजाइम के लिए, इको आर वन से। फाइन, दोनों ही इको आर वन से कट करेगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम का रिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये दोनों रिकॉग्नाइज होंगे किससे, इको आर वन से। सर आप ऊपर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिखे हैं इको आर वन का टेबल, क्या 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 बोल रहे हो, माफ करना, क्या बोल रहे हो सुधांशु, जो टेबल में लिखे हैं ना जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस इको आर वन का, हाँ हाँ ये सर गलत, चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये क्या है, बामेच वन क्या है, क्या देखो तो जी ए ए टी टी सी किसके लिए है, ये जी ए ए टी टी सी इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हाट, इको आर वन ना, बोथ द स्ट्रेंथ्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, इक्वार वन में क्या दिए हैं, जी ए ए टी टी सी सही तो है सुधांशु, सुधांशु सर हम गलत लिख रहे थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। फाइन, सो दोनों रिकॉग्नाइज होने हैं इसी तरीके से। फाइन, नाउ टेल, लेट मी टेल, हाँ जी, कहाँ कट करेगा, ये कट करेगा यहाँ पे, यहाँ पे। फाइन, इसकी भी पोलारिटी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, कट हो रहा है जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में एक कट यहाँ होगा और एक कट यहाँ होगा, ध्यान देंगे जब कट करना होगा तो ये कट होगा फॉस्फेट बॉन्ड की तरफ और पॉलीमराइजेशन होगा, फाइन, तो 3 प्राइम एंड पे एडिशन होगा। ठीक है, समझ में आया, है ना, जब क्लीविंग प्रोसेस होगा तो क्लीविंग होना है 5 प्राइम एंड के पास, फाइन, और जब पॉलीमराइजेशन होता है तो 3rd कार्बन के पास, फाइन, एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है तो बॉन्डिंग वहां पे जाके होगा। फाइन, समझ में आया, ये चीज ध्यान देंगे। समझ में आया, ठीक है, जब भी कट करेगा तो ये कट करना है कहां से, 5 प्राइम एंड से कट करेगा, 3 प्राइम एंड पे कट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए ये इसकी प्रॉपर्टी में डालना था मेरे को, ऑलवेज कट सेट एंड। फाइन, चलिए कट करते हैं इसको, कट करते हैं, कट कर दिए हम, किस तरीके से कट करें, ये तो हमारा फॉरेन डीएनए है ना, चलिए एक छोटा सा सैंपल दिखा रहे हैं हम, ये क्वाइट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है यार ये, है ना, इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से फाइन। अब इस चीज को हम एग्जैक्टली यहां पे ले जाके इंसर्ट करवाते हैं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ये रहा फाइव प्राइम, ये रहा फाइव प्राइम, ये रहा फाइव प्राइम, ये रहा थ्री प्राइम, ये रहा थ्री प्राइम, इसका ये रहा थ्री प्राइम। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है यहाँ पे। फाइन, तो कैसे लाइगेट करेगा, इसका थ्री प्राइम इसका फाइव प्राइम से लाइगेट करेगा। फाइन, इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से फिट होगा कि ये थ्री प्राइम फाइव प्राइम है ना, और ये वाला जो चला जाएगा यहाँ पे है ना, दिस विल गो ओवर हियर। बना पाओगे, जो कर पाओगे, सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, समझ पाए? समझ पाया? सुधांशु, चंदन, हिमांशु, रिया और कौन कौन है? यस सर। ओके, चलिए एक और हम बना दे रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज। फाइन, इस तरीके का है ना। ओके okay? तो हमने जब यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। फाइन, इस तरीके का एंड कुछ क्रिएट होगा। फाइन, इस तरीके का कुछ एंड क्रिएट हुआ है ना। और मान के चलो इसके अंदर हमारा फॉरेन डीएनए था। चलिए एक और कायदे से बना रहे हैं इसको। ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ए हमारा डिजायर्ड जीन सीक्वेंस था इसके अंदर। फाइन, इस तरीके से है ना। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा डिजायर्ड डीएनए था, और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट टू था। सेम उसी का तरह यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट एक होगा और यहाँ पे होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट टू है ना। तो ये हो गया हमारा फॉरेन डीएनए, ये हो गया फॉरेन डीएनए। फाइन, अब क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर, इस वेक्टर को भी हम सेम एंजाइम से डिग्रेड करेंगे और वेक्टर में भी हम कुछ इस तरीके का चीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
इस तरीके से, इस तरीके से समझ पा रहे हो? किस तरीके से ये इस तरीके का क्रिएट होगा. फाइन, नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाला एंड यहाँ पे फिट होगा और ये वाला एंड जाके यहाँ पे फिट हो जाएगा, और जब फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से होना है. इस तरीके से ये हो गया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तैयार हो गया. इसको कहेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. फाइन, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. समझ में आया? यही चीज के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, वेक्टर होना चाहिए होता है. यू गॉट सुधांशु? यस सर. फाइन, तो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, लाइगेशन होता है ना. यहाँ पे जैसे कि ये हो गया हमारा फॉरेन डीएनए, एफ डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए. फाइन है ना, तो यहाँ पे जो गैप है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग लाइगेट करवाते हैं डीएनए लाइगेज से, है ना. डीएनए लाइगेज आएगा, इसको सील कर देगा, बंद कर देता है. फाइन, ठीक है. आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3, है ना. इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 वाइडली यूज होता है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 जहां पे रिकॉग्नाइज करता है वहीं पे कट भी करता है, है ना. जहां पहचानेगा कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, एग्जैक्ट उसी जगह पे कट भी कर देता है. फाइन, ये खासियत होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 का. मेंशन कर दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं. ये आप लोग का लेवल का है नहीं, हो सकता है पूछ सकता है, पूछ दे ओलंपियाड्स की तरह एग्जाम्स में, है ना, बायोलॉजी ओलंपियाड में. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 इज वाइडली यूज्ड. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्यों? बिकॉज it cleaves the DNA at the recognition sequence. Recognition sequence, है ना. बहुत सारा restriction enzymes होते हैं, पहचानेंगे कहीं पे, है ना, लेकिन वो cut करेगा 1000 base pairs आगे. इस तरीके का भी होता है. एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन्ड है, है ना. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट्स सम स्ट्रेंस अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ये एनसीईआरटी का लाइन मेंशन है, देखेंगे, है ना. तो रिकॉग्निशन सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, टाइप 1, टाइप 3, है ना, ये स्पेसिफिक नहीं होते, है ना. रिकॉग्नाइज करेंगे या हाँ कट करेंगे 1000 बेस पेयर्स आगे या 500 बेस पेयर्स आगे, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 एंजाइम है, है ना, ये मतलब कि ऑलमोस्ट जहां पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहीं पे कट करता है, है ना. कुछ एक दो न्यूक्लियोटाइड या 10 न्यूक्लियोटाइड इधर उधर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना. तो इसीलिए बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है. फाइन, चलिए ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खत्म. आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइगेज एंजाइम पे, है ना. लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा जी?
it joins the two DNA strands by forming ester bond. Hana, it need ATP for the function. Fine, ये हो गया. Next था polymerase enzyme. Polymerase enzyme, क्या है polymerase enzyme? Sudhanshu, Himanshu, Sudhanshu, बताओ कि polymerase enzyme क्या होता है? Sudhanshu, जो add करवाएगा. Polymerization of DNA strand. पता है सबको, है ना? Generally जो polymerase enzyme use किया जाता है, that is DNA polymerase 1. DNA pol 1 is widely used. छोटा क्यों लिख रहा है यार, वही तो मैं बोलू. कुछ तो गड़बड़ है दया. इज वाइडली यूज्ड. फाइन, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज. इसके बारे में बताएंगे. पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर. पीसीआर के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग शायद स्कूल में. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. फाइन, यहीं तक रहने देता हूं. अगले क्लास में हम इसके बियॉन्ड डिस्कस करेंगे. फाइन, वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. यही तो प्रॉब्लम है इसके साथ. किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. देखो तो सुधांशु कहां तक गया है ये. उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ. देख के बताएंगे जरा. वो जो इसका लास्ट स्टेप बताया था वर्किंग का, वर्किंग वाला नहीं आया यहाँ तक. ये नहीं आया, ये आ गया. ये नहीं आया ना, यहाँ से नहीं आया. आ गया और नीचे से. ठीक है, मैं यहाँ से भेजता हूँ आप लोगों को. ठीक ना, मैं भेजता हूँ अभी. ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में.